गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा बेरीज के बारे में। बहुत सारी खाने में जो फल आते हैं वो बेरी के नाम से आते हैं। आप स्ट्रॉबेरी खाते हैं, आप रेसबेरी खाते हैं, आप ब्लूबेरी खाते हैं। आज मैं बेरीज और उनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में साइंटिफिक एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। तो आज मैं बेरीज के बारे में बात करूंगा। नंबर वन पर आती है ब्लूबेरीज, जिसको सबसे ज्यादा जिनके बारे में चर्चा होती है। इनका जो ब्लू कलर आता है, वास्तव में इनमें एक कंपाउंड होता है जो एंथोसाइनिन के नाम से जाना जाता है। इसे पोटेंट कंपाउंड, ये जो एंथोसाइनिन है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है। अगर हम साइंटिफिक स्टडीज को देखें तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्लूबेरीज हैं उसमें इतना एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है कि अगर आप इनको रेगुलरली यूज करें तो कैंसर का इंसिडेंस, हार्ट डिजीज का इंसिडेंस, ब्रेन में जो एक एज रिलेटेड डिमेंशिया आता है उसके इंसिडेंस वो हमेशा नीचे की तरफ आता है। और इसमें जो एक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपके इम्यून के सिस्टम को ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। तो जो ब्लूबेरीज हैं इनको ऐसा माना जाता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स की खदान है और ये आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट लेके चलती हैं। द सेकंड वन इज द स्ट्रॉबेरीज। जो स्ट्रॉबेरीज होती हैं ये स्वीट होती हैं टेस्ट में, कुछ खट्टी भी हो सकती हैं। इनका शेप है वो हार्ट के जैसा होता है, दे रेड इन कलर। इनमें विटामिन सी, फॉलिक एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स ये काफी मात्रा में होते हैं। साइंटिफिकली ये माना जाता है कि अगर आप स्ट्रॉबेरीज रेगुलरली यूज करते हैं तो बीपी आपका नीचे रहता है, कोलेस्ट्रॉल आपका ऊपर की तरफ नहीं जाता, ये आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने में ताकत रखती है। और जो ब्रेन के ऊपर जो एजिंग का इफेक्ट आता है अगर आप रेगुलर स्ट्रॉबेरीज यूज करते हैं तो वो इफेक्ट हमेशा कम हो जाता है। नाउ लुक एट द क्रैनबेरीज। जो क्रैनबेरी जूस है आप ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा यूज करते हैं यूरोलॉजिस्ट। जो यूरिन में इंफेक्शन है, प्रोस्टेट में इंफेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है, ऐसा माना जाता है कि जो क्रैनबेरी जूस है इस इंफेक्शन को कंबैट करने में आपकी काफी मदद करता है। जो क्रैनबेरीज हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में होते हैं। ये जो जिस तरह के जो जूस है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी लेके चलता है, इन इंफेक्शन को प्रिवेंट करने की ताकत रखता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस, इन प्रोस्टेटिक जो इश्यूज हैं उसमें क्रैनबेरी जो जूस है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ये रेगुलरली यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द रेड रेस्टबेरीज, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ये वास्तव में सदियों से यूज होती चली आई। इसका जो लिटरेचर है उसके प्रमाण है कि एडी 4 तक में, यानी इस सदी के पहले, उसमें भी रेस्टबेरीज यूज होती थी। ये जो इसका प्लांट है वो उसको यूज किया जाता था उसके एक्सट्रैक्ट्स को मॉर्निंग सिकनेस एंड स्टमक पेन के लिए। जहां तक रेस्टबेरीज का सवाल है अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं और इसमें जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उसे फाइट करने की ताकत होती है, पर्टिकुलरली द कैंसर एंड द डिमेंशिया, ये दोनों से लड़ने की ताकत होती है रेड रेस्टबेरीज में। नाउ जहां तक इंडिया का सवाल है, हम अगर ध्यान से देखें तो जो द मोस्ट कॉमन बेरी जो हम यूज करते हैं इज द गूसबेरी, जिसे आप आंवला के नाम से जानते हैं। आंवला इज द वन जो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जो आंवला है वो बहुत सारी चीजों को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। सर्दी खांसी जुकाम हुआ, आंवला हेल्प करेगा। फीवर आपको आ रहा है, आंवला हेल्प करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, आंवला हेल्प करेगा। जो हेयर टॉनिक है उसको, उसमें भी आंवला यूज किया जाता है। बहुत सारे एविडेंस वो सजेस्ट करते हैं कि कैंसर से लड़ने में आपको आंवला ये हेल्प करता है। ये लिवर की हेल्थ को इंप्रूव करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को नीचे की तरफ लाता है, और अगर आपको पैरासिटिक या कोई इंफेक्शन होने की वो है तो ये आपकी इम्यूनिटी को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो आपकी जो बॉडी है पैरासाइट और इंफेक्शन उनसे लड़ने की ताकत रखती है। नाउ लुक एट द एल्डरबेरीज। जो एल्डरबेरीज हैं वो भी सेंचुरी से यूज होते चली आई हैं। जिनको लोग यूज करते हैं जस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कोल्ड एंड द कफ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब स्टडीज कंफर्म करती हैं कि बिल्कुल कोल्ड कप में इनिशियल 24-48 घंटे में अगर आप एल्डरबेरीज को यूज करें तो वास्तव में जो कोल्ड कप की सीवियरिटी कम हो जाती है, ड्यूरेशन नीचे आ जाता है, ये स्टडीज ऐसा कंफर्म करती हैं। दीज आर दी ओनली बेरीज जो आपको कच्ची नहीं खाना है, कुक करके खाने की जरूरत पड़ती है। तो एल्डरबेरीज,
कुक्ड खाने की जरूरत है, और सर्दी खांसी के इनिशियल 2 डेज में ही अगर आप खाते हैं तो यह बहुत बेनिफिशियल मानी जाती है। नाउ लुक एट द ब्लैकबेरीज। जो ब्लैकबेरीज हैं एक्चुअली हमारे यहां जो जामुन पाई जाती है उसकी कजिन है ये, या उसके जो है बिल्कुल फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है। जो ब्लैकबेरीज हैं वो सबसे ज्यादा यूएस में होती हैं। जो ब्लैकबेरीज हैं इनमें पॉलीफिनॉल्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये उस तरह केमिकल होता है जो इन्फ्लेमेशन उसको कट करने की ताकत रखता है। अगर इन्फ्लेमेशन कट होगा तो हार्ट डिजीज या कैंसर जैसी चीज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो नीचे की तरफ आएगी। ये जो इस तरह की जो बेरीज हैं, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो शुगर जो भी हम खाते हैं उसमें होती है उसका ब्रेक डाउन बेटर करती है, एंड आपको type 2 diabetes होने की जो संभावना है वो नीचे की तरफ होती है अगर आप ब्लैक बेरीज यूज करते हैं तो। द नेक्स्ट वन आर द गोजी बेरीज। जो गोजी बेरीज है वो इंडिया में नहीं होती हैं। जो गोजी बेरीज है वो सबसे ज्यादा यूज होती हैं चाइनीज मेडिसिन में। जो चाइनीज मेडिसिन हैं उसमें जो गोजी बेरीज हैं वो सबसे ज्यादा यूज हो रही होती हैं। इनको ऐसा माना जाता है कि ये 1000 ईयर्स से चाइनीज मेडिसिन वालों ने इसको यूज किया। इसमें वाइटमिन अच्छी मात्रा में होते हैं, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं, एंड साइंस ऐसा मानती है कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है, हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करती है, ब्रेन की हेल्थ को ऑप्टिमाइज करती है, डाइजेस्टिव इश्यूज को हेल्प करती है, ये कैंसर को प्रिवेंट करने की ताकत रखती है। ये साइंटिफिक स्टडीज प्रूफ के साथ इसको मान के चलती हैं कि गोजी बेरीज इसको हेल्प करती है। नाउ द नेक्स्ट वन आर द एकाई बेरीज। ये जो एकाई बेरीज है ये ऑलमोस्ट वैसी होती हैं जैसे ग्रेप्स होते हैं, ये बिल्कुल अंगूर जैसी होती है, एंड इसको सुपर फूड की कैटेगरी में माना जाता है। साइंटिफिक अगर हम देखें तो जितनी भी बेरीज हैं अगर उनको हम कंपेयर करें तो जो एकाई बेरीज हैं इनमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये जो सेल में डैमेज होता है उसको रोकने की ताकत रखते हैं। अगर सेल डैमेज नहीं होगा तो बहुत सारे जो डिजीज है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। नाउ आगे मैं 3 चीजों के बारे में बात करूंगा, उनको जरा ध्यान से देखिए। जो जिनसिंग बेरीज हैं उनको देखिए, जिनसिंग हमारी जो जानकारी में है वो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं जिनसिंग प्लांट के रूट को। जिनसिंग प्लांट के जो रूट है उसको चाइनीज मेडिसिन में यूज किया जाता है, एक बहुत सारे जो उसमें यूज किया, हम लोग भी जिनसिंग यूज करते हैं फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन जिनसिंग की जो बेरीज होती हैं जैसा फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, जो स्टडीज जो माइस पर कंडक्ट की गई कि अगर जिनसिंग को बेरी को यूज किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल को नीचे करने की ताकत रखती है, एंटी इंफ्लेमेटरी ताकत रखती हैं, एंड कैंसर जैसी चीज होने की संभावना को नीचे की तरफ लाती हैं, इनफैक्ट ये ब्लड शुगर को भी ऑप्टिमाइज करती हैं। तो जिनसेंग का जो प्लांट है उसके वास्तव में रूट अकेली नहीं, इसकी जो फ्रूट्स होते हैं जो बेरीज होती हैं वो भी आपको उतनी ही हेल्प करती हैं जितनी आपको रूट हेल्प करती है। नो लुक एट द एवोकेडो। जो एवोकेडो जो फ्रूट समझ के आप खाते हैं ये सबसे ज्यादा जो मेडिटेरियन कंट्रीज में पाया जाता है, ये यू विल बी सरप्राइज कि जो एवोकेडो है वास्तव में सिंगल सीड की बेरी है। दिस इज बेसिकली अ बेरी विच इज सिंगल सीडेड बेरी। ये जो इसका सॉफ्ट जो ना ग्रीन फ्लैश होता है इसमें वास्तव में विटामिंस, मिनरल्स एंड फैट्स भरे हुए होते हैं। इसमें मिनरल्स अच्छे होते हैं, विटामिंस होते हैं, बहुत हेल्दी फैट्स होते हैं। तो एवोकेडो अगर आप यूज करते हैं तो हार्ट की हेल्थ ऑप्टिमाइज होती है, वेट लॉस आपका ऑप्टिमाइज होता है, एंड आपके जो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बहुत सारे एरियाज को ये कंट्रोल करती है एंड आपकी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करती है। नाउ लुक एट द कीवी फ्रूट। जैसा कीवी फ्रूट होता है वैसे कीवी बेरीज होती हैं। इनफैक्ट जो कीवी फ्रूट है उसको कीवी बेरीज का कजिन ही माना जाता है। उनका टेस्ट वही है, उनके न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज भी लगभग वही है। जो कीवी फ्रूट है या बेरीज हैं उनमें एक ल्यूटीन नाम की चीज होती है जो आई हेल्थ को प्रिजर्व वो करके चलती है। तो जो ल्यूटीन एंटीऑक्सीडेंट है वो आई हेल्थ को ऑप्टिमाइज करती है। जो कीवी है उसमें जो जिंक होता है वो आपकी स्किन, आपके नेल, आपके हेयर की हेल्थ को ऑप्टिमाइज करता है। जो पोटेशियम होता है कीवी में वो आपके ब्लड प्रेशर और आपके वर्कआउट की जो स्ट्रेंथ है उसको हेल्प करने की ताकत रखता है। तो जो बेरीज है ये आपके हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम फ्रूट्स को लाइन से खड़ा करें और सभी फ्रूट्स को देखें तो जो कीवीज हैं, सॉरी जो बेरीज हैं, दे वुड बी नंबर 1।
बिकॉज जितने भी बेरीज होती हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वही वास्तव में बेरीज को उनका कलर देते हैं, चाहे वो ब्लूबेरी हो चाहे वो ब्लैकबेरी हो, उनमें जो कलर आता है वो एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू आता है। इनमें जो मिनरल्स होते हैं, विटामिंस होते हैं, वो सब भरे हुए होते हैं। जो इंडिया जैसे कंट्री में जो गूसबेरी या आंवला है वो भी एक बेरी है और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो जो बेरीज हैं एज पार्ट ऑफ द फ्रूट्स, जहां पॉसिबल हो उन्हें कंज्यूम किया जाना चाहिए। तो बेरीज के बारे में अगर साइंटिफिक एनालिसिस समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।